नमस्ते बच्चों। तो बच्चों आज हम हमारी कक्षा पांचवी में जो हमारा हिंदी विषय है उस हिंदी विषय में जो हमारी दूसरी इकाई में जो चौथा ही गद्य पाठ है उस गद्य पाठ के बारे में आज हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। तो जिस तरह से पिछली तासिका में हमने जो हमारा चित्रपाठ था गांव और शहर, तो इस चित्रपाठ के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी और उस चित्रपाठ के जरिए हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनका भी हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया था। तो आज हम हमारे जो हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में जो हमारे दूसरी इकाई में जो चौथा ही गद्य पाठ है उस गद्य पाठ के बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो उस गद्य पाठ का नाम है बालिका दिवस। तो बच्चों यह गद्य पाठ हमारी हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 31 पर है जिसका क्रमांक है 4। तो परीक्षा में यह गद्य पाठ हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। देखो हर दिन की कुछ न कुछ खासियत होती है, हर दिन की कुछ न कुछ विशेष बात होती है। जिस तरह से 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर, 5 सितंबर, 8 मार्च, तो ये जो दिन है तो ये दिन की कुछ इन दिवस की कुछ न कुछ विशेष बात होती है, कुछ न कुछ खासियत है। जिस तरह से 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी यह हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 5 सितंबर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 सितंबर हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और जो 8 मार्च है वह हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऐसे हर दिन की कुछ न कुछ विशेष बात होती है, कुछ न कुछ खासियत होती है। तो आज हम इसी तरह से एक गद्य पाठ का अध्ययन करने वाले हैं जो हमारी हिंदी सुलभ भारती का जो चौथा ही गद्य पाठ है जिसका नाम है बालिका दिवस। तो आप कहेंगे कि सर बालिका दिवस कब होता है, बालिका दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो इसका जो पूरा अध्ययन है, इसकी जो पूरी पढ़ाई है वो आज हम करने ही वाले हैं। तो जिस तरह से बालिका दिवस इस प्रस्तुत गद्य पाठ में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर महत्व दिया गया है, जैसे कि आपको मालूम है कि आज की सदी में लड़कियां हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है और जो आज लड़कियां पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है, जो महिला है पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है वह एक शिक्षा की वजह से। तो हमारे जीवन में मनुष्य के जीवन में हर मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों आपको मालूम होगा या नहीं भी होगा कि पहले के जमाने में लड़कियों को शिक्षा लेने का कोई हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, लड़कियों को शिक्षा दी नहीं जाती थी, उन्हें पढ़ाई लिखाई से अलग ही रखा जाता था। किंतु जो हमारे महाराष्ट्र की जो प्रथम शिक्षिका मानी जाती है, जो भारत की जो महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है वह एक सर्वोत्तम समाज महान समाज सेविका के रूप में मानी जाती है, उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले इन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले इनके साथ मिलकर पुणे में पहली पाठशाला शुरू कर दी और इस पाठशाला में उन्होंने हर एक लड़कियों को सिखाने का कार्य दिया है। देखो जो आज लड़कियां जो सीख रही है और अच्छी तरह से पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है तो यह सब सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले इनकी देन है। इन्होंने हर प्रकार की समस्या को झेलकर
इन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अपना कदम बढ़ाया था, तो इसलिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले इन्होंने शिक्षा का पहला कदम जो है पुणे से शुरू किया था। मतलब उन्होंने जो पाठशाला शुरू की वह पुणे में शुरू की। और 3 जनवरी 1848 में उन्होंने पहली पुणे में पाठशाला शुरू कर दी। तो सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा में अपना जो योगदान दिया है, तो वह एक बहुत ही महान समाज सेविका थी। तो इनका जो जन्म दिवस है, तो यही जन्म दिवस हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ में आया? तो जो सावित्रीबाई फुले हैं, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। तो बालिका दिवस यह 3 जनवरी को हम मनाते हैं। और किसके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं? सावित्रीबाई फुले। तो मुझे लगता है कि जो पढ़ाई की जो विद्या की जो देवता हम मानते हैं, वह सावित्रीबाई फुले को ही मानना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है। तो आज हम इस बालिका दिवस में जो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का महत्व बताया गया है, इसके बारे में आज हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। आपको तो मालूम है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं, इसलिए लड़कियों को पढ़ना यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देश का जो विकास होता है वो सभी के पढ़ने से, अच्छे पढ़े लिखकर होने से ही होता है। लड़का लड़की दोनों समान है, उन्हें समान अधिकार के साथ हमें शिक्षा देनी चाहिए, पढ़ाई देनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ठीक है, तो चलो अपने अपनी किताबें खोलो और हमारी हिंदी श्लोक भारती में जो पन्ना नंबर 31 पर जो 4 नंबर का जो गद्य पाठ आज हम सीखने वाले हैं, बालिका दिवस, तो इसके बारे में आज हम सबसे पहले प्रकट वाचन करते हैं। फिर प्रकट वाचन करने के बाद मैं आपको इस पाठ का, इस गद्य पाठ का अच्छी तरह से आपको मेरे शब्दों में आपको स्पष्टीकरण बताता हूँ। ठीक है, तो किताब के जरिए हम अच्छी तरह से इस गद्य पाठ का प्रकट वाचन करते हैं। ठीक है, देखो छात्रों, जो हमारी हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक में जो दूसरी इकाई का चौथा ही गद्य पाठ है, जिसका नाम है बालिका दिवस, तो इस गद्य पाठ में जो पात्र दिखाए गए हैं, तो यह गद्य पाठ एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे देखो, इस गद्य पाठ में दुर्वा नाम की लड़की है, सृष्टि नाम की लड़की है, प्राची नाम की लड़की है, और जिशान और मंत्र, इन ये दो लड़के भी है, और चाची जी भी है, और एक भैया भी है। देखो उनके चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो हमें यह गद्य पाठ अच्छी तरह से देखो, पढ़ो, समझो और लिखो, ऐसा कहा गया है। तो अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और लिख कर लेना है। ठीक है, जो मैंने आपको शब्दार्थ बताए हुए उन शब्दार्थ को अच्छी तरह से लिख कर लेना है। तो चलो हम अच्छी तरह से पाठ का प्रकट वाचन करते हैं। देखो अच्छी तरह से ध्यान दो, गद्य पाठ क्रमांक 4, बालिका दिवस। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहां चाची जी और बड़े भैया भी हैं। देखो दुर्वा क्या कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। प्राची कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी कहती है, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी।
तब जिशान क्या कहता है देखिए, जिशान कहता है आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। मंत्र कहता है हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि कहती है मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। तब भैया कहते हैं कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तब प्राची कहती है हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तब सभी बच्चे एक साथ कहते हैं खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से जिस तरह से मैंने प्रकट वाचन किया उसी तरह से आप भी घर में अच्छी तरह से प्रयास कीजिए और अच्छी तरह से वाचन कीजिए। तो चलो आज हम ये जो गद्य पाठ है वह एक संवाद के रूप में मैं आपको अपने शब्दों में इसका स्पष्टीकरण बताता हूं। तो बच्चों देखा आपने कि प्रकट वाचन किस तरह से करना चाहिए। अगर आप गद्य पाठ का अच्छी तरह से प्रकट वाचन या मौन वाचन करते हैं तो पाठ का जो सारांश है, पाठ का जो उद्देश्य है वह हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलो आज हम इस गद्य पाठ को अच्छी तरह से समझ कर लेते हैं। तो ठीक तरह से गौर से ध्यान दीजिए। देखो जो बालिका दिवस है यह बालिका दिवस हम 3 जनवरी को मनाते हैं और जो सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है यही जन्म दिवस हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों यह जो गद्य पाठ है यह एक संभाषण के रूप में, संवाद के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें 6 पात्र हैं, जो दुर्वा, सृष्टि, प्राची, जिशान, मंत्र, चाची जी और एक भैया। तो ये 6 पात्र हैं। इन 6 पात्रों के जरिए संवाद के रूप में इस गद्य पाठ को हमारे किताब में बताया गया है। तो चलो आज हम एक संवाद के रूप में ही इस गद्य पाठ को अच्छी तरह से समझकर लेते हैं। देखो जो सब बच्चे हैं वह दुर्वा के घर खेलने के लिए आए हुए हैं और वहां पर चाची जी और बड़े भैया भी हैं। तो दुर्वा सृष्टि से क्या कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो, बन ठन कर यानी सज धज कर आई हो, अच्छी तरह से सज संवर कर आई हो। तो सृष्टि कहती है आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। तो सृष्टि क्या कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है। प्राची कहती है अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो तो प्राची क्या कहती है, हाँ कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले जी इनका जन्म दिवस बालिका दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। तो चाची जी वहां पर आती है और बच्चों को समझाकर कहती है सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। देखो शुरुआत में मैंने आपको बताई है कि सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका है, वो प्रथम शिक्षिका मानी जाती है और उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले इनके साथ मिलकर पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। तब जिशान कहता है, जिशान नाम का लड़का है, वो क्या कहता है, देखो आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। देखो जिशान क्या कहता है, आजकल तो सारी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे हैं और हर एक क्षेत्र में वो खूब
संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। देखो जब दिशान की बातें सुनकर मंत्र क्या करता है, मंत्र नाम का लड़का क्या करता है, हाँ बराबर है, आज लड़कियां हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे कि समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद, ऐसे आदि हर एक क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ती जा रही है। देखो जो मैंने अलग पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से समझकर अपनी कापियों में लिख कर लेना है। जैसे देखो समाज सेवा, समाज सेवा यानी क्या, जो लोगों की सेवा करते हैं उसे हम समाज सेवा कहते हैं। शिक्षा, शिक्षा यानी क्या, पढ़ाई। प्रशासन, प्रशासन यानी हुकूमत, जिसकी हुकूमत चलती है उसे प्रशासन कहते हैं। शोध कार्य, शोध कार्य यानी क्या, खोज कार्य, खोज काम। स्वावलंबी यानी क्या, स्वतंत्र। सजग, सजग यानी जागरूक या सावधान। क्षेत्र, क्षेत्र यानी विभाग। खूब, खूब यानी बहुत। तो इस तरह से जो शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को आपको अच्छी तरह से अपनी कापियों में सुंदर और अच्छे अक्षरों में लिखकर लेना है। तो देखो जब इन सभी की बातचीत शुरू रहती है तब जिशान की बात सुनकर मंत्र क्या कहता है, हाँ आज लड़कियां हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है, जैसे कि समाज सेवा है, शिक्षा है, प्रशासन है, शोध कार्य है, विज्ञान है, संगीत है, खेलकूद है आदि, ऐसे हर एक क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ती जा रही है। तब सृष्टि क्या कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। सृष्टि की माँ क्या कहती है कि जो शिक्षा है यानी जो पढ़ाई लिखाई है वो हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है, यानी स्वतंत्र और जागरूक और सावधान रहने को सिखाती है। शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। तब भैया क्या कहते हैं, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। देखो अगर घर में एक लड़की शिक्षित होती है तो हमारा उस घर के जो पूरा परिवार है वह पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो प्राची कहती है, हाँ इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो प्राची क्या कहती है, प्राची को यह बात समझ में आती है और वो कहती है इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो बच्चों आप मन लगाकर पढ़ते हैं क्या, नहीं, हाँ तो अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। तो सभी जो वहां के जो छात्र हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिसमें दुर्वा है, सृष्टि है, प्राची है, जिशान है, मंत्र है, भैया है, ये सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। खूब यानी बहुत, बहुत पढ़ेंगे बहुत पढ़ेंगे। तो देखो शिक्षा का कितना महत्व है, अगर हम अच्छी तरह से शिक्षा लेते हैं तो भविष्य में हम कुछ अच्छे बन जाते हैं, जिससे हमारा जीवन कार्य अच्छे से चलता है। तो हमें पढ़ लिख कर होशियार बनना है और इस देश के लिए कुछ करना है। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे देश की भी तरक्की हो जाती है। इसलिए सभी को अच्छी तरह से पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना यह जरूरी होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा कि बालिका दिवस यह एक महत्वपूर्ण दिवस है, जिसमें लड़कियों की शिक्षा का महत्व बताया गया है। तो आज से भी आप जब 3 जनवरी आती है तो सावित्रीबाई फुले इनको वंदन करके, इनको प्रणाम करके, मतलब 3 जनवरी को ही नहीं, हर दिन आपको सावित्रीबाई फुले इनका आशीर्वाद करके, उनसे उनको नमन करके आपको अच्छी तरह से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ संभव नहीं होता।
इसलिए शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। समझ में आ गया? तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो, और जिस तरह से हमने पाठ का प्रकट वाचन किया है उसी तरह से आप भी घर में अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगली तासिका में हम इस गद्य पाठ पर जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।